हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो ये जो व्लॉग है, पिछले व्लॉग में दो तीन वीडियोस के पहले वाले व्लॉग में मैंने बताया था कि मैं अपने हेयर ट्रीटमेंट के लिए गई हूँ, तो उसका ये पार्ट टू है जो कि एडिट मैंने बहुत पहले कर भी दिया था। बट क्या हुआ ना, अचानक से सारी चीज़ें मैंने पेन ड्राइव में डाल दी और मुझे याद नहीं आया कि मैं ये वाला वीडियो अपलोड नहीं की हूँ। और मतलब मैं क्या ही बताऊँ, छोड़ो। तो आज मैं इस पार्ट को अपलोड कर रही हूँ फिर से वॉइस ओवर करके। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ हेयर वॉश करवाने के लिए, क्योंकि हेयर ट्रीटमेंट लेने के एक दिन के बाद हेयर वॉश करवाना होता है। तो मैंने हेयर बोटॉक्स करवाया था हेयर में, तो उसको एक दिन के बाद वॉश करवाना था। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ वॉश करवाने के लिए, और उसके पहले मैं यहाँ पे केरी पन्ना बनवा रही हूँ। और बहुत ज़्यादा धूप था तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे इसको पी लेना चाहिए, इससे बहुत ज़्यादा एनर्जी आएगी शरीर में। और उसके बाद मैं पहुंच गई हूँ अंदर, क्योंकि इसके जस्ट सालून के नीचे ही वो पन्ना मिल रहा था, तो उसको पी के और ऊपर आई और सीधे हेयर वॉश शुरू हो गया। मतलब आज बिल्कुल वेट नहीं करना पड़ा हेयर वॉश के लिए। तो यहाँ पे ये दीदी बार बार मेरे कैमरा को बोल रही थी कि थोड़ा सा ऊपर करके मेरा फेस दिखाना, तुम्हारे कैमरा का मतलब तुम्हारे मोबाइल का क्वालिटी अच्छा है वीडियो लेने का। बट मुझे तो ऐसा नहीं लगता है यार, मेरे को ऐसा लगता है कितना ब्लर आता है, या फिर मैं यूट्यूब पे भी वीडियो डालती हूँ तो ऐसा लगता है क्वालिटी उतना अच्छा नहीं आ रहा है। लेकिन मुझे अभी अभी कैमरा वगैरह नहीं लेना है, क्योंकि मैं पहले ही वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे थोड़ा सा भी होप नज़र आया कि मैं इसमें आगे बढ़ रही हूँ या फिर अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है तो मैं कैमरा लूँगी। मैं यूँ ही पैसा को वेस्ट नहीं करना चाहूँगी, मैं कैमरा ले लूँ और मुझे होप नहीं मिल रहा है तो फिर कैमरा धरा का धरा रह जाएगा, तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। और जिस दिन मैं कमाऊंगी उस दिन ज़रूर मैं अपने पैसे से कैमरा लूँगी, तो तब तक के लिए मुझे मोबाइल से काम चलाना पड़ेगा और मैं नहीं चाहती फालतू खर्चा करना। मैं बहुत लिमिटेड खर्चा करती हूँ, मैं बहुत ये सब चीज़ों में सही बताऊँ बहुत ज़्यादा कंजूस हूँ। तो जहाँ ज़रूरी होता है वहीं पे खर्चा करती हूँ, जहाँ पे लगता है कि इस चीज़ से काम चल जाएगा तो मैं उसी चीज़ से काम चलाती हूँ तब तक जब तक उससे काम चलता है। तो यहाँ पे मेरे हेयर को अच्छे से उनने अपने शैम्पू और कंडीशनर से वॉश करने के बाद अच्छे से ड्रायर किया और कोम और ड्रायर की सपोर्ट से मेरे हेयर को स्ट्रेट किया, क्योंकि जिस दिन बोटॉक्स ट्रीटमेंट हुई थी उसी दिन मेरे हेयर को स्ट्रेट किया था इन्होंने। तो मैंने उनको मना किया कि कितने लोग स्ट्रेट फिर से करवाते हैं, बट मैंने मना किया। मैं ट्रीटमेंट करवाई थी तो मैं हीट ज़्यादा नहीं लेना चाहती थी अपने बालों पर इसलिए। और उसके बाद मैं आई थी ऑफ़र में बोटॉक्स ट्रीटमेंट के लिए, तो उसके बाद उसमें था कि आप कोई सा भी ट्रीटमेंट लेते हो तो एक कुछ और चीज़ आपको फ्री में की जाएगी, जैसे कि हेयर स्पा, हेयर कट, फेसियल, बहुत सारी चीज़ें, दो चार ऑप्शंस थे। तो मुझे हेयर कट बिल्कुल नहीं लेना था, बस नीचे के बाल जो डैमेज हो गए थे उनको मैंने कटवा लिया था। तो मुझे कोई हेयर कट नहीं लेना था और ना ही मुझे हेयर स्पा करवाना था, बिकॉज़ मैंने हेयर ट्रीटमेंट ले ही लिया था और उसके एक आध महीने के बाद ही स्पा ले सकती थी। तो मैंने फेसियल ऑप्शन को चुना, और यहाँ पे फेसियल होते टाइम बीच में लाइट गायब हो गई थी तो मैंने बाकी वीडियोज़ को शूट नहीं किया। एंड उसके बाद दिस इज़ हाउ फाइनल लुक, आप लोग प्लीज़ बताना हेयर और मेरे फेस का, और मुझे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। उसके बाद मैं सीधे घर निकल गई हूँ और मैं मिलूँगी आपको दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।